बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण में 28 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए 164 तारापुर विधानसभा के जदयू प्रत्याशी मेवालाल चौधरी के चुनाव प्रचार के लिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने तारापुर में जनसभा को संबोधित किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बिहार के विकास के लिए सारे राज्य में विकास योजनाओं की बौछार कर दी और उसी विकास के नाम पर वोट मांगने आए हैं। न्याय का राज स्थापित किया, किस तरह से पहले बुरा हाल था, क्राइम को, करप्शन को, कम्युनिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करते, इसके लिए हम लोग काम करते रहते और अपराध नियंत्रण में भी जो काम हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल के शासन काल में लालू और उनके परिवार वालों ने विकास नहीं किया, सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है। क्या था विकास? लोगों को 15 साल का मौका मिला पति पत्नी को काम करने का। आज बोल रहा था कि पुराना बात बोल रहे हैं। अरे तो पुराना बात बोल रहे हैं, हम जब काम कर रहे हैं इसको पुराना कह रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं लोगों के बीच में कुछ नहीं था और काम तो कर दिया। आपको बता दें कि हर चुनावी सभा की तरह इस चुनावी सभा में भी कोविड 19 को लेकर चुनाव आयोग के दिए गए निर्देशों की धज्जियां उड़ती नजर आई। नीतीश जी की इस चुनावी सभा में ना तो मास्क और ना ही सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था थी और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। मुंगेर ब्यूरो के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।